अभी भी हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप मिलता है। भाई अब इस चीज़ को होंडा को अपडेट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से इसमें यही चीज़ चलती आ रही है, इसमें अब आपको होंडा की ओर से LED हेडलैम्प सेटअप दे देना चाहिए। तो भाई इसमें CBS मिलता है, CBS मतलब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। होंडा की बाइकों में ही सबसे पहले CBS ब्रेकिंग सिस्टम आया था। मडगार्ड की बिल्ड क्वालिटी देख लीजिएगा भाई, इसकी जो मडगार्ड की बिल्ड क्वालिटी है ये देखिए भाई, तोड़ने से भी नहीं टूटता भाई। ये चीज़ अपडेट करनी चाहिए होंडा को। ये टायर बहुत छोटा लगता है 125 cc की गाड़ी में। स्टेप एडजस्टेबल इसमें आपको शोकर मिलता है, और शोकर को स्टेप एडजस्ट करने का ये देखिए तरीका, सिर्फ हाथ से उठाइएगा भाई। आइए अब इस बाइक को स्टार्ट करते हैं और आपको इसकी प्रॉपर सीट हाइट भी चेक कराता हूँ और इंजन साउंड सुनवाता हूँ। भाई 125 cc में अगर आप अपने लिए एक अच्छी बाइक परचेस करना चाह रहे हो, जो इसका मेंटेनेंस भी कम हो और एवरेज भी अच्छा देती हो और लुक भी अच्छा देती हो और हैवी वेटेड भी लगती हो, देखने में बल्कि भी लगती हो, और तो आपके लिए अभी ये मेरे साथ में खड़ी हुई है होंडा सीबी शाइन 125 cc। भाई एक टाइम होता था कि शाइन का नाम बजता था होंडा में और होंडा की शान भी हुआ करती थी शाइन। अब थोड़ा सा इसकी जो सेल है उस पर थोड़ा सा फ़र्क आया है। वो फ़र्क किस वजह से आया है भाई, SP शाइन मेरे पीछे खड़ी हुई, एक बार दिखा दीजिएगा। इस SP शाइन ने इस बेचारे की जो है सेल को चपट कर दी है। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है जो होंडा को हजम भी करनी पड़ेगी। भाई 125 cc में ये वाली बाइक बहुत ज़्यादा सेल होती थी, अब इसकी सेल कम हो चुकी है, क्योंकि 2019 के बाद में जब से होंडा ने अपनी SP को नए लुक में अपडेट करके लॉन्च किया था, तब से SP125 की सेल बढ़ चुकी है और इसकी सेल थोड़ी डाउन हुई है। ठीक है भाई, अगर आप अपने लिए 125 cc में बेस्ट बाइक सर्च कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको इस बाइक के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं और आपको क्या कुछ इसमें मिलता है और क्या कुछ मिलना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर ऑप्शंस के बारे में। कलर ऑप्शंस के बारे में बात किए तो भाई लगभग इसमें आपको 6 से 7 कलर देखने को मिल जाते हैं। वेरिएंट की बात करें तो वेरिएंट भी हमें इसमें 2 मिलते हैं, एक ड्रम वाला और एक डिस्क वाला। अभी जो अपने साथ में खड़ा हुआ है वो ड्रम ब्रेक सिस्टम वाला खड़ा हुआ है। आइए अब बात कर लेते हैं इस बाइक की डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशन मीन्स इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन के बारे में। वजन की बात करें तो भाई इस बाइक में हमें 114 kg वेट देखने को मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 162 mm का हमें इस बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सीट हाइट की बात कर लें तो सीट हाइट हमें इसमें 791 mm की देखने को मिल जाती है, यानी कि जिन लोगों की हाइट कम है उनके लिए भी यह बाइक ठीक ऑप्शन होने वाली है। आइए अब इस बाइक को 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। यह है इस बाइक की प्रॉपर राइड प्रोफाइल, यह है इस बाइक की प्रॉपर राइड प्रोफाइल, ये है इस मोटरसाइकिल की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट में आपको क्या कुछ मिलता है आइए वो बता देता हूँ। भाई यहाँ पर फ्रंट में आपको इसका ब्लैक कलर में विंड स्क्रीन देखने को मिलती है, जिस पर होंडा का आपको वेजिंग देखने को मिल जाती है। उसके नीचे आपको होंडा की ओर से इसमें स्मार्टली क्रोम का यूज़ किया गया है। नीचे हेडलैम्प सेटअप की बात करें तो भाई इसमें अभी भी हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप मिलता है। भाई अब इस चीज़ को होंडा को अपडेट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से इसमें यही चीज़ चलती आ रही है, इसमें अब आपको होंडा की ओर से LED हेडलैम्प सेटअप दे देना चाहिए, होना चाहिए भाई। हेडलैम्प सेटअप देखिएगा, आपको इसमें हैलोजन बल्ब के साथ में मिलता है और इसको आप मैनुअली कंट्रोल भी कर सकते हैं। देखिएगा इसका हाई बीम लो बीम भी चेक करा देते हैं। जैसे आप इसके की को ऑन करोगे तो इसकी हेडलाइट ओपन ऑन हो जाती है। नीचे आपको बात कर लें इसके इंडिकेटर की, तो इसमें थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल आपको साइड टर्न इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। मडगार्ड की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ब्लैक कलर में बॉडी कलर में आपको इसका मडगार्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर नीचे आपको इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, यहाँ नंबर प्लेट का सेक्शन देखने को मिलता है, रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं। टायर की बात करें तो भाई फ्रंट में इसमें आपको सीएट कंपनी के टायर मिलते हैं, यहाँ दिखाइएगा सीएट कंपनी के टायर हैं, ये देखिएगा सीएट कंपनी के टायर मिल जाते हैं। और फ्रंट टायर का जो साइज़ है 80/118 का हमें फ्रंट टायर देखने को मिलता है। फ्रंट में 18 इंच के आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं और ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, ये देखिएगा। बात करें इसमें ब्रेकिंग सिस्टम की तो भाई इसमें CBS मिलता है, CBS मतलब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। होंडा की बाइकों में ही सबसे पहले CBS ब्रेकिंग सिस्टम आया था। तो इसके जो फ्रंट टायर की जो मीटर की जो कनेक्टिविटी है वो आपको फ्रंट टायर से देखने को मिलती है, ये इसकी मीटर की वायर है। बात करें इसके फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम की तो भाई फ्रंट में आपको इसमें 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। आइए अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की। भाई फ्यूल टैंक पर देखिएगा, यहाँ
आपको होंडा की बैजिंग में, 3D में होंडा की बैजिंग देखने को मिल जाती है। 820 का सपोर्ट मिलता है। फ्यूल कैप आपको सिल्वर कलर में देखने को मिल जाती है। इस बाइक में आपको 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। नीचे साइड पैनल पर इसके टैंक के ग्राफिक्स कुछ इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। साइड पैनल पर देखिएगा, यहाँ पर 125 को मेंशन किया गया है और यहाँ स्मार्टली क्रोम का यूज होंडा की ओर से इसमें किया गया है। भाई इस बाइक में आपको 5 गियर देखने को मिलते हैं, फर्स्ट डाउन ही इसके सारे गियर जो है आगे की ओर लगते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यूज में आपको साइड स्टैंड का टॉप किल स्विच मिल जाता है, सेंटर स्टैंड भी मिलता है और इसका जो चैन कवर है आपको फाइबर में देखने को मिलता है। फ्रंट फुटपैड आपको फिक्स मिलती है और रियर फुटपैड आपको फोल्डेबल मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको लेडी फुटपैड भी मिलती है और साड़ी गार्ड भी मिलता है जो कि आपका फाइबर में है। सीट कवर देख लीजिए, यहाँ पर शाइन को मेंशन किया गया और नीचे आपको रेड एंड व्हाइट कलर के ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। सीट की कुशनिंग थोड़ी ठीक है, एवरेज है, ज़्यादा हल्की भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है। और ग्रैपनल आपको सॉलिड मेटल में मिलता है। नीचे टेल दिखाइएगा इसकी, आपको टेल इसकी हैलोजन बल्ब के साथ में देखने को मिलती है। देखिएगा, देखने को तो ये एलईडी सी में लग रही है लेकिन एलईडी में नहीं है, ये हैलोजन बल्ब के साथ में है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है और यहाँ आपको इसमें थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। नीचे आपको मडगार्ड मिल जाता है। मडगार्ड की बिल्ड क्वालिटी देख लीजिएगा भाई, इसकी जो मडगार्ड की बिल्ड क्वालिटी है ये देखिए भाई, तोड़ने से भी नहीं टूटता भाई। ये देखिए कितना अच्छी बिल्ड क्वालिटी होंडा अपने इन मोटरसाइकिल में यूज करती है। नीचे टायर आपको देख लीजिएगा, टायर भाई ये चीज अपडेट करनी चाहिए होंडा को। ये टायर बहुत छोटा लगता है 125 सीसी की गाड़ी में। 125 सीसी की गाड़ी में अगर 120 सेक्शन का 130 सेक्शन का टायर नहीं मिलता तो कुछ भी नहीं मिलता। ये चीज भी होंडा को इसमें अपडेट करनी चाहिए भाई। सीएट कंपनी का टायर मिल जाता है और टायर साइज जो है इसका ये देखिएगा, ये देखिए 80/18 का इसमें हमें रियर टायर मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो रियर में भी हमें 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम होंडा की ओर से देखने को मिलता है। एक चीज दिखाइए आपको इसमें, ये चीज दिखा देता हूँ आपको इसकी ना, ये मल्टी स्टेप एडजस्टेबल इसमें आपको शोकर मिलता है और शोकर को स्टेप एडजस्ट करने का ये देखिए तरीका, सिर्फ हाथ से उठाइएगा भाई, हाथ से उठा के इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो आप। ये देखिएगा, इसमें आपको किसी चाबी की जरूरत नहीं है, किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या है, अपना हाथ लेना है और इसको प्रेस करना है और आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ में होंडा की लगती है। आइए एग्जॉस्ट दिखा दीजिए इसका। एग्जॉस्ट हमें कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। सिंपल इसका आपको एक मफलर मिलता है। रियर फुट पैड आपको फोल्डेबल मिलती है। यहाँ पर ESP को मेंशन किया गया है, इनहेंस स्मार्ट पावर को मेंशन किया गया है, ये देखिएगा यहाँ पर। और इस बाइक में हमें किक ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। रियर ब्रेक लीवर यहाँ मिलता है और इसके साइड पैनल पर 125 को मेंशन किया गया और स्मार्टली क्रोम का यूज़ यहाँ पर किया गया है। एक चीज़ ये भी देखिए भाई, इसका जो ये कैटालिटिक साइलेंसर है ना, ये बहुत पतला सा दिया हुआ है यार। इतनी 125 cc की बाइक में ये चीज़ बहुत छोटी सी लगती है, इसको भी थोड़ा सा हैवी करना चाहिए होंडा को ना। आइए अब उसकी बात कर लेते हैं जहाँ से इस बाइक का परफॉर्मेंस निकल कर आएगा। आप समझ तो गए होंगे इसके इंजन की। भाई होंडा ने अपनी इस मोटरसाइकिल में 124 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 4 स्ट्रोक एंड 2 वॉल्व के साथ में बेस्ट क्वालिटी का होंडा का इंजन लगा कर दिया है। होंडा के भरोसे के साथ में आपको इससे इंजन मिलता है जिससे आपको एवरेज भी अच्छा मिल जाता है। एवरेज की बात वीडियो में आगे करें। आइए अब इस बाइक को स्टार्ट करते हैं और आपको इसकी प्रॉपर सीट हाइट भी चेक कराता हूँ और इंजन साउंड सुनवाता हूँ। ये देखिएगा भाई, मेरी हाइट 6 फीट है और 6 फीट हाइट के हिसाब से मेरे पैर प्रॉपर धरती को टच कर रहे हैं। इसकी जो सीट हाइट है वो 791 mm हो जाती है और मेरी हाइट 6 फीट है, यानी कि जिन लोगों की हाइट कम है ना उनके लिए भी ये बाइक बेस्ट ऑप्शन होने वाली है। आइए अब आपको इसका इंजन साउंड भी सुनवाता हूँ। ये देखिएगा, फर्स्ट टाइम में ये स्टार्ट हो जाती है और कब स्टार्ट होगी आपको पता भी नहीं लगता क्योंकि ये बाइक साइलेंट स्टार्ट के फीचर्स के साथ में आती है। इसका इंजन साउंड सुनवाता हूँ आपको भाई। इंजन साउंड काफी अच्छा है, रिफाइन इंजन इसमें मिलता है आपको, होंडा के भरोसे के साथ में मिलता है। और आप अगर साइन को यूज करते हैं आपको इसका इंजन साउंड कैसा लगा प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसके इंजन को हम यहीं से ऑफ कर सकते हैं क्योंकि भाई इसमें इंजन कट ऑफ किल स्विच मिल जाता है। ये देखिएगा, आइए बात कर लेते हैं भाई अब इस मोटरसाइकिल के प्राइस, माइलेज और वारंटी की। भाई सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। 125 cc की बाइक है ये और इसका जो प्राइस है आपको 98,000 रुपये कम्प्लीट ऑन रोड देखने को मिल जाता है। भाई माइलेज की बात कर ले तो यह बाइक आपको माइलेज लगभग अराउंड 60-65 के आसपास आराम से दे देती है। बाकी आपकी राइडिंग पर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से अपने व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं, किस प्रकार की रोड कंडीशन है और किस प्रकार की राइडिंग कंडीशन आपकी होने वाली है। बात करें इसके
वारंटी की, तो भाई इसमें होंडा की ओर से आपको 3 साल की इंजन वारंटी प्रोवाइड की जाती है 30,000 किलोमीटर तक। बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी इंजन वारंटी एक्सटेंड करा सकते हैं, जो कि उसका आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। बात करें इसके पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट की, भाई ये चीज़ मुझे स्पेशली बतानी थी। इसमें पॉजिटिव पॉइंट में तो खैर इसके जो कुछ होंडा ने दिया है वो इसके पॉजिटिव में ही है, लेकिन इन डिमांड इसमें दो तीन चीज़ अब होनी जरूरी है भाई। एक तो इसमें आपको डिजिटल मीटर मिलना जरूरी है भाई, 125 cc के सभी सेगमेंट में डिजिटल मीटर आने लगा है। इस बाइक में भी डिजिटल मीटर होना चाहिए, डिजिटल नहीं तो सेमी डिजिटल मीटर तो होना चाहिए भाई। दूसरा, इसमें आपको फ्रंट में LED हेडलैम्प सेटअप भी होना चाहिए। अब तक जब से शाइन आ रही है, सीबी शाइन वाली सीरीज जो आ रही है, तब से जब से लॉन्च हुई थी आज तक, इसकी ये जो फ्रंट वाली हेडलाइट है वो आपको हैलोजन बल्ब के साथ में मिलती है। अभी भी अभी 2024 चल रहा है और लगभग शाइन 2001 से आ रही है भाई, तब से ये एक ही चीज चली हुई आ रही है। और दूसरा, इसमें इन डिमांड भाई रियर टायर इसका चौड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 125 cc की बाइक है, 80 सेक्शन का टायर मिलता है, कम से कम 100 सेक्शन का टायर तो मिलना चाहिए। जैसे कि होंडा ने अभी अपना SP का टायर अपडेट किया था, पिछला टायर चौड़ा कर दिया था, तो इसमें भी ये चीज होनी जरूरी है। बाकी आपके हिसाब से इसमें क्या चीज और मिलनी चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ भाई, एक चीज और होनी चाहिए, इसमें USB पोर्ट भी मिलना चाहिए। ये चीज होंडा को अपडेट कर देनी चाहिए, क्योंकि होंडा के किसी भी व्हीकल में, लगभग 160 cc तक के व्हीकल जितने भी आते हैं उनमें किसी में भी आपको USB चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता है यार। ये होना चाहिए, क्योंकि 125 cc बाइक है, इतना तो बनना चाहिए यार। तो भाई आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।